इससे पहले डीजीपी रहे उपेंद्र सिंह आज अपने पद से रिटायर हो गए हैं और इस दरमियान उन्होंने सबसे पहले परेड ग्राउंड में सलामी दी गई, उसके बाद फूलों से सजी विंटेज कार में बिठाकर उन्हें पुलिस मुख्यालय से घर के लिए रवाना किया गया। उपेंद्र सिंह इस दौरान काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि 37 साल की पुलिस सेवा के बाद वो पुलिस विभाग को विदा कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने अपने सभी पुलिस साथियों का उन्हें यहां तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद भी दिया। विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल के प्रमुख होने के रूप में जो मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिला उसे मैं बयां नहीं कर सकता। यह मेरे लिए गर्व की बात है। किसी भी अधिकारी के सेवा काल के लिए यह जरूरी है कि उसके साथी अधिकारीगण और कर्मचारियों का योगदान रहे। बिना उनके योगदान के कभी कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। मेरे सेवा काल में जो भी उपलब्धियां रही हैं वे सभी आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है। पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी ओपी सिंह आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि रिजर्व पुलिस लाइन में परेड के बाद अब किस तरह से उन्हें उसी ऐतिहासिक गाड़ी में यहाँ से विदा किया जा रहा है, जिस गाड़ी से सिर्फ और सिर्फ जो भी डीजीपी प्रदेश के रिटायर होते हैं उनको भेजा जाता है अपने परिवार के साथ। इस समय डीजीपी ओपी सिंह जो है उसी खास गाड़ी में यहाँ से जा रहे हैं और कुछ समय बाद ही वो यहाँ जो प्रदेश के नए डीजीपी होंगे उनको चार्ज सौंपेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़े समारोह के दौरान उनका सम्मान किया गया, उनके जो विदाई समारोह था वो हुआ। यहाँ पर परेड की सलामी ली डीजीपी ने और इस दौरान ये कहा कि काफ़ी कुछ उन्होंने अपने कार्यकाल में किया लेकिन बहुत कुछ है जो करने से रह गया और आगे आने वाले जो भी अधिकारी उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो उन अधूरी चीज़ों को पूरा करें। कैमरा सहयोगी मैं दिया सन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।